हवा भयानक वाला चल रहा है। और कैसा है यहाँ पे हवा कहीं से भी आता है ना तो छाता उड़ने का ज़्यादा टेंशन है भाई। Hey guys, welcome back to another vlog। तो आज का जो वीडियो है वो है iPhone 13 के रिलेटेड। सो अगर आपको पता होगा काफ़ी टाइम से मैं iPhone से शूट कर रहा हूँ और डिफरेंस आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली मैं पहला जो व्लॉग शूट करता था वो करता था मैं 12 मिनी से, अभी जो शूट करता हूँ मैं 13 से। तो 13 मैंने रिसेंटली लिया हुआ है, ये ग्रीन कलर का है, ये कवर भी ग्रीन कलर का ही डाला हुआ है, बट ये 13 है। तो आज के व्लॉग में हम टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 13 को, कंप्लीट रियल वर्ल्ड टेस्ट करेंगे। तो ये व्लॉग में आपको ये समझेगा कि क्या ये फ़ोन आईफोन 13 व्लॉगिंग के लिए कैपेबल है या नहीं है, क्या इसका वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा है क्या करके व्लॉगिंग के लिए। तो इसका बेसिक अपना जो वाइड एंगल कैमरा वो टेस्ट करेंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल टेस्ट करेंगे, स्लो मोशन टेस्ट करेंगे, जितना हो सके उतना टेस्ट करेंगे। करेंटली मैं अभी काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने कैनन 200D से। बेसिकली आईफोन आने के बाद मैंने कभी, मतलब बहुत रेयर हुआ रहेगा, वो भी इंडोर व्लॉग हुआ रहेगा जो मैंने ये कैमरा से शूट किया है, या फिर मेरे रील्स रहेंगे जो मैंने ये कैमरा से शूट किया है। अदर देन दैट अपना जो फ़ोन है वही काफ़ी हो जाता है व्लॉगिंग के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो गाइस ये कैमरा बेसिकली मैं बाहर इसीलिए नहीं लेके जाता बिकॉज इसमें ND फिल्टर नहीं है और बैकग्राउंड का जो एक्सपोजर है पौंको जा रहा है, इल्ली वाला जा रहा है। तो एनीवेज ग्राउंड फ्लोर में रहने का यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, आपको मतलब सुकून से आप व्लॉग भी नहीं कर सकते हो। तो एनीवेज थोड़े टाइम में निकलेंगे अपन अपना फ़ोन को टेस्ट करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल वर्ल्ड में इसे मैं ज़्यादा लेके इसीलिए नहीं जाता हूँ बिकॉज बैकग्राउंड में देखो, अगर आप वो खिड़की देखोगे पूरा वाइटिश दिख रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। हे गाइस, सो अभी हम लोग है ठाकुरली में, तो ये एक यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग स्पॉट है, तो ट्रैकिंग स्पॉट में हम लोग जा रहे हैं। तो आई होप कि उसमें है ना थोड़ा ज़्यादा आपको डायनेमिक रेंज देखने मिलेगा अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे ठाकुरली का रेलवे स्टेशन है, सो या फटाफट निकलते हैं अभी, मतलब जा ही रहे, वैसे बाई वॉक जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं जाता मैं वहाँ पे। क्यों नहीं जाता मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये पूरा आइसोलेटेड जगह है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे गाड़ी लाता नहीं हूँ। तो अभी बेसिकली मैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ और रास्ता कुछ इस तरीके से है, पूरा पत्थर वाला रास्ता है। यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड में इसके लिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने मिलेगा और लोकेशन भी अच्छा खासा आपको पीछे देखने मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो पानी पूरा ये हुआ है, मस्त लग रहा है, कचरे को इग्नोर करो। और ये पूरा एक मिनी ट्रेकिंग स्पॉट है, इसका मैंने स्पेसिफिकली एक ब्लॉग बनाया था, यहाँ पर देख के चलना पड़ता है। सूखे जगह से जाएगा तो बेटर है बिकॉज यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। मद्देनजर रखते हुए मैं अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली एक फ़ायदा ये है अपना आईफोन 13 का, आप कोई भी कैमरा यूज़ कर लो, फ्रंट यूज़ कर लो या फिर रियर यूज़ कर लो, अल्ट्रा वाइड यूज़ कर लो या फिर वाइड एंगल जो भी है अपना, जो दो कैमरा है कोई भी यूज़ करो आप, सब में आपको मैक्सिमम 4K एट 60 फ्रेम्स का ऑप्शन मिलता है। व्लॉगर्स के लिए ज़्यादा करके मेरे हिसाब से तो अल्ट्रा वाइड एंगल ज़्यादा बेटर पड़ेगा बिकॉज कैसा है कि इसका जो इंटरनल माइक है वो इतना भी पावरफुल नहीं है, बट हाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप साइलेंट जोन पे रहोगे तो, बट ऐसा हवा चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको विंड ब्लास्ट का आवाज़ आ सकता है। एज ऑफ ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत सब चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, नो डाउट इन दैट। और सीन देखो आप, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईफोन का जो वीडियो क्वालिटी है अमेजिंग सा है। मैं करेंटली जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 4K एट 60 FPS पे। तो अल्ट्रा वाइड में एक फ़ायदा ये है कि आप डे टाइम में है ना काफ़ी अच्छा शॉट्स ले सकते हो इफ़ यू आर व्लॉगिंग, बट लो लाइट में उतना ही ये जो कैमरा है वो मार खाता है। इनफैक्ट बहुत लोग बोलते हैं कि 4K एट 24 FPS पे शूट करो, बट प्रॉब्लम ये होता है कि काफ़ी सारे ग्रेन्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा घर जाने के बाद, रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ मैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। ये जो मेन कैमरा है, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये 24 mm का है,
और इसका जो एफ स्टॉप है, मैक्सिमम एफ स्टॉप जो है 1.6 का है, 1.6 एफ स्टॉप है इसका। तो आपको लो लाइट में ये वाला जो लेंस है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसे मेन कैमरा कंसिडर किया जाता है। दोनों भी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, बट दोनों का जो फील्ड ऑफ व्यू है, या फिर आप एमएम बोल सकते हो, ये जो है मेन, ये 24 mm का है। अब ये जो है, ये है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, ये है 13 mm का लेंस है, और इसका जो एफ स्टॉप मैक्सिमम है वो है 2.4। तो इसको आप अगर लो लाइट में शूट करोगे तो थोड़ा बहुत मतलब आपको ग्रेन ज़्यादा देखने मिलेगा। ये अल्ट्रा वाइड में आप पूरा मतलब शूट कर सकते हो, सीनिक व्यू अमेजिंग सा है, और वो पूरा अपना खाड़ी है। यहाँ पे कल्याण स्टेशन है, ये एक दूसरा पहाड़ है। अभी करेंटली मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिनेमैटिक मोड जो है आईफोन 13 में आपको मिलेगा, बेस आईफोन 13 प्रो में मिलेगा आपको सिनेमैटिक मोड। तो या आप ये देख सकते हो सिनेमैटिक मोड कैसा दिखता है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ब्लर करता है, बट स्टिल मैं सिनेमैटिक मोड ज़्यादा करके प्रिफर नहीं करता हूँ। द रीज़न वाई, बिकॉज इसका थोड़ा फोकस जो है अनस्टेबल है, इसको और भी अपडेट आने की ज़रूरत है। जब अपडेट आएगा प्रॉपर, तब जाके ये मोड यूज़ करना बनता है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है सिनेमैटिक मोड से। काफ़ी लोग सिनेमैटिक मोड की वजह से आईफोन 13 लेते हैं, बट स्टिल आईफोन 13 में थोड़ा बहुत अपग्रेड आना चाहिए सिनेमैटिक मोड शूट करने के लिए। बिकॉज कैसा है, आप खुद को तो प्रॉपरली ये कर सकते हो, टैग कर सकते हो, बट दूसरा कुछ सामान अगर आपको सिनेमैटिक मोड में शूट करना होगा तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली ऑन लो लाइट। लो लाइट में फोकसिंग का इशू होता है सिनेमैटिक मोड में। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिनेमैटिक मोड जो है आप सिर्फ 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे ही शूट कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो गाइस, अभी जो मैं लो लाइट टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये अपना मेन कैमरा से कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो मेन कैमरा है वाइड एंगल कैमरा जो है वो है, और जो रिकॉर्डिंग जो है वो 4K एट 24 FPS पे शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है आईफोन। तो ये जो एंगल है, ये है अल्ट्रा वाइड एंगल, इसमें आपको थोड़ा बहुत पिक्सल है ना फटा हुआ दिखेगा, बिकॉज ये 4K 24 में शूट कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रेन्स दिखेगा। तो ये जो है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल से शूट कर रहा हूँ मैं, बट 60 FPS 4K में शूट कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा थोड़ा ग्रेन्स कम हुआ रहेगा। बट एनीवेज, अल्ट्रा वाइड जो है वो लो लाइट में इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो वो एक प्रॉब्लम है अपने आईफोन, अपना नहीं मतलब कोई भी आईफोन में यही प्रॉब्लम है कि अल्ट्रा वाइड का जो परफॉर्मेंस है वो लो लाइट में कुछ खास नहीं है इधर। सो गाइस, ये जो है ये अपना फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा में आप मतलब वाइड एंगल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली ये नॉर्मल है, ऐसे ही है। और एक चीज़ अच्छा है कि फ्रंट कैमरा में भी आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी ये फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है 4K 24 FPS पे, तो बेसिकली लो लाइट है, तो इस वजह से मैंने 24 FPS रखा है इसमें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड फ्रंट में आप ज़्यादा करके व्लॉग नहीं कर सकते हो, नॉर्मली मेन कैमरा से जितना करोगे उतना बेटर है, उतना अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी ठीक है, मतलब कभी कभार के लिए ओके है, बट जो रियर कैमरा है वो रियर है भाई, एक नंबर शॉट आता है। मैं इसमें बैटरी का बताना चाहता हूँ आपको, जब मैं यहाँ से निकला था तभी मेरा फ़ोन का जो बैटरी था वो ऑलमोस्ट 85% तक चार्ज हुआ था, मैंने फुल चार्ज किया नहीं था, तो 85% में चार्ज था। एंड अभी करेंटली ये सब रिकॉर्डिंग एंड ऑल ब्लॉगिंग एंड ऑल करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा जो बैटरी है 55% में आया हुआ है। तो आईफोन 13 का बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू आईफोन 12, तो उस वजह से आपको अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है। बट एक चीज़ याद रखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्लॉग इसमें शूट कर पाओगे, 3 व्लॉग के ऊपर अगर आप जाओगे शूट करने के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको आपका जो मेमोरी है वो ज़्यादा रहना पड़ेगा, मतलब 256 GB या फिर 512 GB या फिर 1 TB, इतना अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो फ़ोन में, मतलब व्लॉग अगर आपको हॉनेस्टली मतलब फ़ोन से ही करना है। स्लो मोशन शॉट देखा, वो रिकॉर्ड हुआ था 1080p एट 120 FPS, उससे ज़्यादा आप जा सकते हो अगर ज़्यादा आपको स्लो करना होगा तो, बट मुझे वो थोड़ा बहुत ऑड लगता है 240 FPS का। उससे अच्छा तो अपन इसमें भी कर सकते हैं, 120 FPS पे भी कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप दूसरा ऑप्शन भी प्रीफर कर सकते हो, नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप 4K में एट 60 FPS, फिर उसको 50% आप स्लो कर सकते हो। अगर वैसा देखने गए तो आप 24 में प्लेबैक ले सकते हो। आईफोन 13 जो है A15
बायोनिक चिपसेट से पावर्ड होता है, तो जिस वजह से आपको रेंडरिंग में एंड ऑल काफ़ी अच्छा मतलब डिफरेंस देखने मिलता है। बट मैं जो हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले 12 मिनी यूज़ किया है, 12 मिनी में A14 बायोनिक चिपसेट है, तो मुझे ज़्यादा ऐसा डिफरेंस देखने में नहीं आया जब मैं एडिट करता हूँ वीडियो को। मैं VN एडिटर में एडिट करता हूँ वीडियो, सो बेसिकली मुझे इतना बहुत डिफरेंस देखने नहीं आया था जब भी मैं रेंडर करता हूँ या फिर एक्सपोर्ट करता हूँ अपने वीडियोज़ को। मैं अल्ट्रा वाइड में इसीलिए रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज कैमरा थोड़ा पास में रहेगा ना, तो आवाज़ प्रॉपर आप तक पहुँच पाएगा। इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक प्रॉपर डायनामिक रेंज देखने मिलेगा। फॉर अ ब्लॉगर कलर रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है, इसमें फ्लैट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, फ्लैट मतलब रॉ फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो इसमें। बट प्रो में आपको ऑप्शन मिलता है फ्लैट आई थिंक सो रिकॉर्ड करने का, या फिर प्रो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें आई थिंक सो 10 बिट के इसमें वीडियो रिकॉर्ड होता है, जो मैं तो बोलूँगा एक फ़ोन में रिकॉर्ड करना मतलब नहीं बनता बिकॉज हैवी फुटेज हो जाएगा। उसके लिए कम से कम आपका फ़ोन का जो मेमोरी है 1 TB या फिर 512 GB का रहना चाहिए, 128 GB का। ये जैसा मेरा फ़ोन है 128 GB का, ये इतना कम रहेगा ना तो भाई आपका एक ब्लॉग जो है, एक ब्लॉग वो इतना पूरा फुटेज कवर कर लेगा, मतलब स्टोरेज कवर कर लेगा 100 GB का। ये कुछ नहीं यार, 6.1 इंच का स्क्रीन है इसमें, तो आपको एडिटिंग में थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा अगर आप मोबाइल में एडिट कर रहे हो। अभी मैं जैसा कि मोबाइल में एडिट कर रहा हूँ, मुझे 12 मिनी में थोड़ा इशू होता था बिकॉज स्क्रीन छोटा रहता था, तो प्रॉपर मुझे अभी एडिटिंग करने जमता है बिकॉज थोड़ा बहुत बड़ा स्क्रीन है। सो गाइस, आप बताओ कि आप कौन सा मोबाइल प्रीफर करोगे, 12 प्रीफर करोगे या फिर 13 प्रीफर करोगे या फिर लेटेस्ट वाला 14 प्रीफर करोगे। 13 काफ़ी अच्छा है ब्लॉगिंग के लिए अगर आप कॉम्पैक्ट सेटअप प्रीफर करना चाहते हो तो। एक है कि इसमें एक्सटर्नल माइक आप यूज़ कर सकते हो या फिर इंटरनल माइक। एक्सटर्नल में थोड़ा एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता है अगर देखने जाएगा तो, अगर आप कॉम्पैक्ट वे में देखना चाहते हो तो। एयरपॉड्स जो है इसमें, एक है कि एयरपॉड्स का जो माइक है आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट है आई थिंक सो। बट एयरपॉड्स अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 24,000 या 25,000-26,000 का समथिंग है, तो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो। आप बताओ गाइस, आपको ये वाला ब्लॉग कितना हेल्पफुल लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट करो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो बिकॉज आप ही के सपोर्ट से यार अपने को और कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। एंड एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय। चलो सोने में सुहागा। एक मैं तो सोचा था कि ब्लॉग कंप्लीट करूंगा, बट बारिश शुरू हो चुका है और इसके लिए मैंने वापस से शॉट किया ब्लॉग ये। तो आप देख सकते हो कि मैं बारिश में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द रीज़न वाई, बिकॉज आईफोन 13 जो है वो है वाटरप्रूफ, कंप्लीट वाटरप्रूफ है। बट एक है, समंदर में मत यूज़ करना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे वाटरप्रूफ है, समंदर में यूज़ करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। स्विमिंग पूल में यूज़ कर सकते हो, वो भी कितना तो मीटर का डेप्थ आप जा सकते हो, आई थिंक सो नॉट मोर देन 15 मीटर्स। और बारिश खतरनाक, मतलब बारिश एक नंबर चालू हो गया, भयानक वाला चालू हुआ है बारिश।